आज हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हमारी कैसे होती है। जिम्नोस्पर्म्स हमारे प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं और जिम्नोस्पर्म्स को हम क्या मेन फीचर से जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, नेक्ड होती हैं हमारे पास, यानी कि हम बाहर से ही सीड्स को देख सकते हैं, वो आपकी ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होती। जैसे कि अगर हम एंजियोस्पर्म के अंदर देखें और उसका एग्जांपल लें, अगर आप लेमन का एग्जांपल लेते हो तो जब लेमन को काटते हैं तब उसके अंदर सीड्स मिलती है ना, तो वो फीचर होता है एंजियोस्पर्म का, जबकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स होती है वो आपकी ओवरी के अंदर यानी कि फ्रूट के अंदर नहीं होती है, वो क्या होती है आपको, मतलब अगर प्लांट पे लगी हुई है तो वो अलग से ही आपको सीड्स दिखाई देगी। जैसे कि हम कोन से बात करते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर ना कोन बनते हैं, कैसे, कोन की शेप कुछ इस टाइप की होती है हमारे पास में, जैसे पाइनस का कोन होता है, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, तो उसके अंदर इन कोन्स के अंदर ये वुडी कोन्स होते हैं हमारे पास में, पहले क्या होते हैं ग्रीन होते हैं, जब पूरे के पूरे मैच्योर हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं ब्राउन कलर के, इस तरीके का वुडी कोन होता है। आप सर्च कर सकते हो कि पाइनस के का कोन देखो, तो पाइनस के अंदर मेल एंड फीमेल कोन्स दो होते हैं, जिसके अंदर से फीमेल कोन बड़ा होता है और मेल कोन छोटे साइज का होता है, तो इस वुडी कोन के ऊपर ही यहाँ पर आपको बाहर ही क्या होंगे इसके अंदर एक तरीके से सीड डेवलप हुए हुए होंगे, ठीक है, यानी कि एक तरीके से क्या है आपके पास में, मतलब इतना हार्ड होता है वुड का, अगर किसी को मतलब वो लग जाए ना तो सच में चोट लग जाएगी, क्योंकि वुड ही हार्ड होता है बिल्कुल एक तरीके से, अच्छा खासा इतने बड़े साइज का होता है, इससे बड़े साइज का भी होता है, ठीक है, इस तरीके की कोन की आपकी शेप होती है और इसके ऊपर ही क्या होते हैं सीड्स बिल्कुल बाहर वाली साइड प्रेजेंट होते हैं, किसी फ्रूट के अंदर नहीं होते हमारे पास में, ठीक है, यानी कि फ्रूट किससे बनेगा, फ्रूट ओवरी से बनेगा, ठीक है। तो यानी कि जिम्नोस्पर्म की क्या खासियत होती है कि इनके अंदर जो आपके पास में सीड होती है, सीड की फॉर्मेशन तो होगी लेकिन विदाउट ओवरी फॉर्मेशन, ठीक है, हमारे पास में, ठीक है, यानी कि ओवरी के अंदर आपकी सीड नहीं होगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ मैंने जो डायग्राम बना रखा है ये है हमारे पास में किसका डायग्राम, ये है मेगास्पोरेंजियम का एग्जाम डायग्राम, मेगा स्पोरेंजियम हमारे पास में, तो जो मेगा स्पोरेंजियम होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में फीमेल गैमेटोफाइट को, ठीक है। अब जो मेगा स्पोरेंजियम है इसके अंदर जो हमारे पास में इस तरीके के, जो मैंने ये बाहर से इस तरीके के जो ये बना रखा है हमारे पास में, इनको हम बोलते हैं इंटीगुमेंट्स, ठीक है हमारे पास में, और इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस कैसा होता है आपके पास में डिप्लॉयड होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है आपके पास में न्यूसिलस भी प्रेजेंट होता है, अभी न्यूसिलस का हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल पढ़ेंगे आगे। इन्होंने बोला कि अब यहाँ पर क्या था न्यूक्लियस के अलावा न्यूसिलस प्रेजेंट था आपके पास में, तो उस न्यूसिलस में से क्या होगा कोई एक सेल प्रोमिनेंट हो जाएगा, यानी कि न्यूसिलस था, न्यूसिलस के अंदर भी क्या होंगे बहुत सारे छोटे छोटे आपके पास में सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक काम करो आप यहाँ पे ना इसको न्यूक्लियस हटा दो, यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर हम ना इसको न्यूसिलस लिख लेते हैं, मैंने न्यूसिलस लिख दिया, न्यूसिलस आपका क्या होगा एक तरीके से डिप्लॉयड होगा। न्यूसिलस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे आपके सेल्स प्रेजेंट होंगे लिक्विड से फॉर्म के अंदर, जिसको हम क्या बोल देते हैं न्यूसिलस, ठीक है। अब देखो जो ये न्यूसिलस होगा ना इसमें से कोई एक सेल आपके पास में प्रोमिनेंट हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से मतलब कि उभर के आएगा यहाँ से और किसकी साइड चला जाएगा, ये ऊपर वाले एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं और नीचे वाले एंड को हम क्लाजल एंड बोलते हैं, ठीक है हमारे पास में। तो इस माइक्रोपाइल एंड की तरफ न्यूसिलस में से कुछ कोई सेल आपका ऊपर की साइड माइक्रोपाइल की साइड जाएगा और क्या बना देगा एमएमसी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वो काम करेगा। न्यूसिलस में से एक सेल प्रोमिनेंट हुआ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ गया और क्या बना दिया उसने माइक्रोस्पोर मदर सेल बना दिया, ठीक है हमारे पास में। अब आगे देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल बना न्यूसिलस से, न्यूसिलस कैसा था डिप्लॉयड, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी क्या होगा आपके पास में डिप्लॉयड। डिप्लॉयड के लिए हम 2n वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है हमारे पास में। अब देखो मुझे इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनवाना है, सॉरी माइक्रोस्पोर नहीं मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है।
तो मेगास्पोर मदर सेल मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हम फीमेल गैमेटोफाइट को वर्ड को यूज कर रहे हैं, और जब हम फीमेल गैमेटोफाइट को डिफाइन करते हैं तो मेगास्पोर वर्ड आता है, और जब मेल गैमेटोफाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा माइक्रोस्पोर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड से जब भी हमें हैप्लॉयड बनाना होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, मियोसिस। मियोसिस कहलाती है हमारी रिडक्शन डिवीजन, ठीक। इसके अंदर मियोसिस हुई थर्ड स्टेप के अंदर, और इस एक मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन जाएंगे, चार मेगास्पोर आपके बन जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे मेगास्पोर मदर सेल होंगे, हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं अभी, तो एक मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन जाएंगे, चार मेगास्पोर बन जाएंगे, ठीक है। अब मियोसिस होकर बने तो ये मेगास्पोर सेल्स कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे, हैप्लॉयड को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ तक की बात। अब बोलता है इन चार मेगा, जो आपके पास चार मेगास्पोर्स हैं, इनमें से तीन तो हो जाएंगे डीजर्नेट, ठीक है, यानी तीन तो हो गए डीजर्नेट अपने पास में, बचा एक, और जो एक बचेगा इस चार में से, इसको हम कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर्स, ठीक है। तो जो ये चार में से एक बच जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, यहाँ तक की बात। अब जो ये फंक्शनल मेगास्पोर होगा आपके पास में, ठीक है, ये आपका डेवलप होगा और क्या बना देगा, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर ये क्या हो गया, इस फंक्शनल मेगास्पोर से क्या डेवलप हो गया आपका, फीमेल गैमेटोफाइट। यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा, उसकी शुरुआत होगी यहाँ से, आपके पास में क्या था, यहाँ पर हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा हमारे पास में। अब देखो मान ले आपकी ओवरी है, ठीक है, मैंने ओवरी का यहाँ पे डायग्राम बना दिया। अब ओवरी से आपको क्या बनाना है, एक प्लांट के अंदर एक ओवरी थी, अब उससे क्या बना होगा, एक ओवरी से पूरा प्लांट डेवलप हुआ होगा। अब यहाँ से ये क्या प्रोड्यूस करवाएगी, ओवरी मेगास्पोर प्रोड्यूस कराएगी, क्योंकि तभी तो आगे फर्टिलाइजेशन होके और सीड बनेंगे ना आपके पास में, वरना तो उसी प्लांट तक रह जाएगा सिर्फ। तो और सीड हमारे कैसे बनेंगे, सबसे पहले हमने ओवरी ली, ओवरी के अंदर म्यूसिलस था, चारों तरफ इंटीगुमेंट्स थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इस म्यूसिलस में से कोई एक सेल प्रोमिनेंट हुआ, उससे क्या बना, मेगास्पोर मदर सेल बना, यानी कि म्यूसिलस में से जो सेल प्रोमिनेंट होकर आपका माइक्रोपाइल की साइड में गया था, यानी कि म्यूसिलस में से एक सेल क्या उठा, माइक्रोपाइल की साइड गया, और किसकी तरह एक्ट करने लग गया, मेगास्पोर मदर सेल हमने उसे बोल दिया, जो सेल कहाँ गया था म्यूसिलस में से उठ के आपका, कहाँ पर, माइक्रोपाइलर एंड पे। माइक्रोपाइल को मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया, जलाशय को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ये एंड होते हैं हमारे पास ओवरी के, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर फिर मियोसिस होगी, इससे मेगास्पोर बनेंगे, चार मेगास्पोर में से तीन जर्मेट हो जाएंगे, एक बचेगा जो कि फंक्शनल मेगास्पोर की तरह काम करेगा। अब ये जो मेगास्पोर है ये आगे डेवलप होकर क्या बना देगा हमारे पास में, फीमेल गैमेटोफाइट, बन गया फीमेल गैमेटोफाइट हमारे पास में। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, हमारे पास में आर्किगोनिया बनेगा, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, आर्किगोनिया, किस वाली साइड बनेगा आपका, यहां पर जो माइक्रोपाइलर एंड होगा उसके पास में क्या डेवलप होगा आपका, आर्किगोनिया बनेगा, ठीक है। कौन से एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, मैंने एम से लिख दिया। अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंदर रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होता है, यानी रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना दो सेल और होते हैं हमारे पास में, ठीक है। एक सेल होते हैं एनसीसी यानी कि नेक कैनाल सेल्स, और एक होता है वीसीसी यानी कि वेंट्रल कैनाल सेल्स। तो इसके अंदर जो हमारे पास में जिम्नोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इससे जब आर्किगोनियम बनेगा तो उसके अंदर नेक कैनाल सेल्स तो एब्सेंट होते हैं, और वेंट्रल कैनाल सेल्स क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए बनते हैं और फिर डीजर्नेट हो जाते हैं। इसीलिए जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हम आर्किगोनिया को क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड आर्किगोनिया बोलते हैं, ठीक है हमारे पास में, यहां तक की बात क्लियर होगी। अब क्या होगा, इससे रिड्यूस आर्किगोनिया से हमारे पास में इस तरीके से क्या होगा, अब देखो ये आर्किगोनिया थे, यहां पर आपके पास में क्या था, न्यूसिलस था, तो न्यूसिलस से क्या होंगे आपके पास में, कुछ आपके पास में क्या होगा, सेल्स अगेन आपके क्या करेंगे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएंगे और एक स्टिकी सा मटेरियल बनाएंगे, ठीक है। अगेन न्यूसिलस के सेल आपके पास में, देखो अ पार्ट ऑफ न्यूसिलस फॉर्म द पोलन ड्रॉप्स, यानी न्यूसिलस का ही कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा यानी न्यूसिलस के अंदर सेल्स थे, तो वही सेल्स क्या बनाएंगे, एक स्टिकी मटेरियल बनाएंगे, जिसको हम, और वो स्टिकी मटेरियल न्यूसिलस के सेल से क्या बनेगी, पोलन ड्रॉप बनेगी, और पोलन ड्रॉप असल में क्या होती है, एक स्टिकी सा मटेरियल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, स्टिकी मटेरियल माइक्रोपाइलर एंड से बाहर आएगा, और माइक्रोपाइलर एंड के बाहर यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा,
हो गया हमारे पास में डिपॉजिट, और इसको हमने क्या बोल दिया, पोलन ड्रॉप। ठीक है, स्टिकी सा मटेरियल था। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में, अब देखो पोलन ड्रॉप हो गई। अब क्या होगा यहाँ पर कि मेल गैमेटोफाइट से क्या आएंगे हमारे पास में, पोलन ग्रेन्स आएंगे। अब जिम्नोस्पर्म के अंदर होती है एनिमोफिली, यानी कि एयर के थ्रू, यानी विंड के थ्रू क्या होता है, गैमेट्स का ट्रांसफर होता है। विंड के थ्रू आएंगे आपके पास में पोलन ग्रेन्स, कहां पर गिरेंगे, इस फीमेल गैमेटोफाइट के माउथ के पास में। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट इनसाइड द पोलन चैम्बर। पोलन ग्रेन्स इसके अंदर क्या होता है, जर्मिनेट करते हैं पोलन चैम्बर के अंदर और फॉर्म करते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे पोलन चैम्बर के अंदर, क्या फॉर्म करेंगे, पोलन ट्यूब बनाएंगे, और वो पोलन ट्यूब मेल गैमेटोफाइट को रिलीज कर देगी कहां पर, माउथ ऑफ आर्किगोनिया के पास में, यानी इस आर्किगोनिया के यहाँ पे जिसका माउथ होगा वहां पर क्या रिलीज कर देंगे अपने पोलन ग्रेन्स को। ठीक है हमारे पास में, यहाँ तक की बात आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब देखो पोलन ग्रेन्स आ गए। अब यहाँ पे क्या था, एक स्टिकी मटेरियल था, ये पोलन ग्रेन्स स्टिकी मटेरियल के साथ में चिपक जाएंगे, चिपक गए। ठीक है, अब क्या होगा, एयर के साथ में धीरे धीरे ये पोलन ग्रेन्स ड्राई होंगे, और जब पूरे ड्राई हो जाएंगे तो ये कहाँ पर हो जाएंगे, यहां से ये जाएंगे आर्किगोनिया के पास में, यानी कि आपके यहाँ पर जाएंगे आर्किगोनिया के साथ में, फ्यूज करेंगे, क्या बनेगा यहाँ दोनों के फ्यूजन से, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर फर्दर क्या बनेगा, एम्ब्रोय बनेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फ्यूजन हुई, तो कौन सी फर्टिलाइजेशन कहलाएगी, इन सीटू फर्टिलाइजेशन या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है हमारे पास में, अब क्या बन गया हमारे पास में, एम्ब्रोय बन गया। अब इस एम्ब्रोय के क्या होते हैं हमारे पास में, तीन हिस्से होते हैं। एम्ब्रोय से बनेंगे आपके पास में एक हिस्सा रेडिकल, यानी एम्ब्रोय का एक हिस्सा कहलाता है रेडिकल, दूसरा कहलाता है प्लिम्यूल, रेडिकल प्लिम्यूल, और तीसरा हमारे पास में क्या कहलाता है, कॉटिलेडन। ठीक है, यानी कि जो आपके पास में एम्ब्रोय है इसके तीन पार्ट हो गए, रेडिकल प्लिम्यूल एंड कॉटिलेडन। तो जो रेडिकल होगा ये तो फर्दर क्या बना देगा, आगे जाके रूट बनाएगा, अमाल्य सीड बन गया, कहीं जाके मिट्टी में गिरेगा, यानी कि सॉइल के ऊपर गिरेगा, तो जर्मिनेट करेगा, तो उसके अंदर एम्ब्रोय से जो रेडिकल वाला पार्ट होगा ये फॉर्मेशन कराएगा प्लांट की रूट की, प्लिम्यूल कराएगा आपके पास में स्टेम की, और ये क्या होते हैं, कॉटिलेडन्स। यानी कभी अगर किसी सीड को उगते हुए देखा हो तो ध्यान से देखना उसके बाहर क्या होता है, एक मतलब कि वो सीड ना जब जर्मिनेट होता है उसमें से प्लांट निकलता है, तो बीच में से दो टुकड़ों के अंदर वो टूट जाता है। कई बार देखेंगे ना जैसे या तो देखना जामुन का, जामुन के अंदर ये चीज बहुत क्लियरली दिखाई देती है, जब जामुन से आपका ट्री डेवलप होता है तो उसकी जो सीड्स होती है सिर्फ दो टुकड़ों से टूट जाती है और उसके बीच में से प्लांट निकलता है। ठीक है हमारे पास में, और उस सीड के भी आउटर वाली साइड हम देखेंगे तो एक पतला सा कवर सा होता है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, अब वो सीड कोट किससे बनता है, जो हमारे पास ये इंटीगुमेंट थे ना, ये इंटीगुमेंट बाद में जाके क्या बना देते हैं, सीड कोट बना देते हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरीके का हमारे पास में, मैं जामुन का ही सीड हूँ तो इस तरीके से होगा ये, इसमें से जब जर्मिनेट हो गए हमारे पास में तो ऐसे दो टुकड़ों में टूट जाता है और इसमें से फिर आगे पूरा का पूरा प्लांट डेवलप होता है। और इस सीड के ऊपर भी हम देखें तो एक हल्का सा ब्राउन सा कवर होता है जो कहलाता है सीड कोट। ठीक है हमारे पास में, अब देखो कॉटिलेडन्स हो गया हमारे पास में। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर 2 से 18 कॉटिलेडन हो सकते हैं जो कि एम्ब्रोय से डेवलप होते हैं। ठीक है, तो 2 से लेकर 18 कॉटिलेडन्स तक हमारे पास मिल सकते हैं किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 से 18 कॉटिलेडन। ठीक है यहाँ तक की बात, अच्छा हाँ। अब क्या होता है हमारे पास में कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना इसके अंदर एक आर्किगोनिया नहीं होता, बहुत सारे आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है हमारे पास में, अगर बहुत सारे आर्किगोनिया हैं और बहुत सारे ऊपर से पोलन ग्रेन आएंगे तो उनके फ्यूजन से बहुत सारे आपके एम्ब्रोय बनेंगे, यानी यहाँ पर क्या होती है, पॉली एम्ब्रोनी होती है हमारे पास में। मल्टीपल एम्ब्रोय का फॉर्मेशन होना कहलाता है पॉली एम्ब्रोनी, क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारे पास में पॉली एम्ब्रोनी। ठीक है यहाँ पे लिख देती हूँ, तो यानी कि जिम्नोस्पर्म के अंदर हमारे पास में क्या होती है, यहाँ होती है पॉलीएम्ब्रोनी, और यही क्या है जिम्नोस्पर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पास में। ठीक है यहाँ तक की बात, अब वो आपको ये बोलेगा कि ठीक है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पॉलीएम्ब्रोनी होगी, कुछ एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी क्या होती है हमारे पास में पॉलीएम्ब्रोनी हमको मिलती है। ठीक है,
तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारे पास में कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होती कैसे है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम कोई और नया टॉपिक देख लेंगे।